तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम 8 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हीं को रिवीजन करेंगे, क्योंकि मुझे कुछ काम हो गया था इस वजह से मैं इस एक हफ्ते के दौरान वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन जितने भी क्वेश्चंस इस हफ्ते के दौरान बनते हैं इम्पोर्टेंट, वो सब मैंने इस वीडियो में शामिल कर दिए हैं। तो कल से आपको रेगुलर वीडियो मिलनी शुरू हो जाएगी। तो चलिए आज के क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। लेकिन वीडियो पर आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारी पिछली किसी भी वीडियो को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके पढ़ना चाहते हैं तो प्राइज़ आपको यहां पर दिख रहे हैं। आपको बस ये कोड स्कैन करना है और जितने महीने की पीडीएफ चाहिए उतने रुपए पे करके उसका स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जिसके बाद हम पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के क्वेश्चंस। हरियाणा को वर्ष 2020-21 में किस बैंक से देश में सबसे अधिक वित्तीय मदद मिली है? तो ये मिली है नाबार्ड बैंक से। कोविड के बावजूद हरियाणा राज्य नाबार्ड से वित्त वर्ष 2019-20 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में 44% अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त करने में देश में सबसे अग्रणी रहा है। इसके अलावा राज्य वर्ष 2014-15 में 468 करोड़ रुपये के मुकाबले वर्ष 2020-21 में कोविड के बावजूद 1030 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता लेने में सक्षम भी रहा है। इसके बाद है टोक्यो ओलंपिक 2020 के विजेता एवं प्रतिभागी खिलाड़ियों का सम्मान समारोह हरियाणा के किस ऑडिटोरियम के अंदर आयोजित किया गया? तो ये किया गया इंद्रधनुष ऑडिटोरियम के अंदर। हरियाणा की खेल नीति के तहत ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा को 6 करोड़, रजत पदक विजेता रवि दहिया को 4 करोड़ व बजरंग पूनिया को 2.5 करोड़ रुपये की राशि जो है वो इनाम स्वरूप दी गई है। इस समारोह में राज्यपाल श्री दत्तात्रेय ने हॉकी के 9 खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपए की राशि दी है। सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों को 15-15 लाख रुपए की राशि से सम्मानित किया गया। इसके बाद है हाल ही में किस जिले की कंपनी ने इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा बुजुर्ग सूचांक 2021 जारी की है? तो ये जारी की गई है गुरुग्राम के द्वारा। 11 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय ने भारत में बुजुर्गों के नेतृत्व वाले जीवन की गुणवत्ता को मापने वाले बुजुर्ग सूचकांक 2021 के लिए जीवन की गुणवत्ता की जो सूचकांक है वो जारी की है। इसे EACPM के अनुरोध पर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के द्वारा बनाया गया है। यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों में उम्र बढ़ने के क्षेत्रीय पैटर्न की पहचान करती है और भारत में उम्र बढ़ने वाली आबादी की समग्र भलाई का आकलन भी करती है। तो यहाँ पर इसका जो मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है और इसके जो मानक अध्यक्ष हैं वो प्रोफेसर अमित कपूर हैं। इसके बाद है रिलेटिवली एडजस्ट स्टेटस में हरियाणा को कौन सी रैंक मिली है? तो ये मिली है 3री रैंक। यह सूचकांक भारत में बुजुर्ग आबादी की जरूरतों और अवसरों की समझ का विस्तार करने के लिए जारी किया गया है। मुख्य रूप से यह बढ़ती आबादी के निदान उपकरण के रूप में कार्य करता है। चूंकि यह कोर डोमेन को मापता है, इससे राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नीति निर्माताओं को उन क्षेत्रों की पहचान करने में भी मदद मिलेगी जिनमें सुधार की आवश्यकता है, ताकि उचित उपाय किए जा सके। साथ ही यह निष्पक्ष रैंकिंग के माध्यम से राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ावा देता है। इसके बाद है हरियाणा की किस कंपनी ने तेलंगाना में सौर ऊर्जा परियोजनाओं और उत्तराखंड के अंदर जल विद्युत परियोजनाओं का अधिग्रहण किया है? तो ये किया गया है रिन्यू कंपनी के द्वारा। SBHEP उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में मंदाकिनी नदी पर यह स्थित है। यह अधिग्रहण जल विद्युत क्षेत्र में रिन्यू पावर के प्रवेश का प्रतीक है। L&T उत्तराखंड हाइड्रो पावर लिमिटेड जो SBHEP का मालिक है, इसको L&T पावर डेवलपमेंट लिमिटेड के अधिग्रहण किया जाएगा, जो भारत की अग्रणी इंजीनियरिंग और निर्माण फर्म लार्सन्स एंड डुब्रो इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। तो यहाँ पर जो रिन्यू पावर है इसकी जो अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक हैं वो सुमित सिन्हा हैं और इसका जो मुख्यालय है वो हमारे हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर स्थित है। इसके बाद है ADB ने भारत में ग्रीन हाउसिंग के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये समझौता किया गया है IIFL होम फाइनेंस के साथ। एशिया विकास बैंक ने भारत में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और पानी और जीवन शक्ति को संरक्षित करने के लिए IIFL होम फाइनेंस की सहायक
कंपनी प्राइस हाउसिंग फाइनेंसेंस होम फाइनेंस लिमिटेड के साथ हाथ मिला है। IIFL कार्यक्रम की तकनीकी सहायता है। इस परियोजना की कुल लागत $1 मिलियन है। ADB अपने अर्बन क्लाइमेट चेंज रेजिलिएशन ट्रस्ट फंड के माध्यम से फंड करेगा। IIFL भारत में सस्ते एयर आवास के लिए 90.3 मिलियन का योगदान भी देगी। तो यहाँ पर IIFL इसकी जो फुल फॉर्म है वो पूर्व में इंडिया इंफोलाइंस लिमिटेड है और होम फाइनेंस लिमिटेड IIFL फाइनेंस लिमिटेड की सहायक कंपनी है। IIFL फाइनेंस लिमिटेड को पहले IIFL होल्डिंग्स लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस श्रीधर हैं और इसका मुख्यालय जो है वो हमारे हरियाणा के गुड़गांव के अंदर ही स्थित है। इसके बदले भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटली बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अपने नए जन जागरूकता अभियान के लिए किस ओलंपिक पदक विजेता को शामिल किया है? तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छे से इसे आपको याद करके रखना है। तो ये शामिल किया गया है नीरज चोपड़ा को। भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटली बैंकिंग धोखाधड़ी के खिलाफ अपने नए जन जागरूक अभियान के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट्स जो भाला बैग के अंदर है नीरज चोपड़ा को शामिल किया है। इस अभियान के एक हिस्से के रूप में नीरज चोपड़ा लोगों से वन टाइम पासवर्ड कार्ड सत्यापन मूल्य नंबर और ATM पिन जैसे विवरणों को दूसरे के सामने प्रकट नहीं करने का आग्रह करते हैं। तो यहाँ पर आपको नीरज चोपड़ा के बारे में तो पता चल ही गया होगा, उन्होंने ओलंपिक्स के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। फिर भी इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि हरियाणा के पानीपत के भारतीय बल्लेबाज जो कि भाला फेंक के खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के अंदर पुरुषों की भाला फेंक के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। वह स्वतंत्रता भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक एंड फील्ड के एथलीट भी बने हैं। उन्होंने 2018 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों दोनों में ही स्वर्ण पदक जीता है। उन्हें 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की बात हो रही है तो इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अंतर्गत की गई थी। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हर साल किस दिन को जेवलिन थ्रो डे के रूप में बनाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 7 अगस्त को। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा की इस ऐतिहासिक कामयाबी को यादगार बनाने का फैसला किया है। इसके लिए उन्होंने 7 अगस्त का दिन तय किया है। अब हर साल 7 अगस्त जैवलिन थ्रो डे के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन पूरे देश में जैवलिन थ्रो के टूर्नामेंट भी करवाए जाएंगे। इससे जूनियर खिलाड़ियों को ज़रूर फायदा हो सकेगा। इसके बाद है हाल ही में किसी गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण का मुख्य अभियंता नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है जसपाल सिंह मेहरा को। इसके बाद है हाल ही में हरियाणा के राज्यपाल ने कितने गैलेनेट्री अवार्डियों को सम्मानित किया है? तो ये किया गया है 25 गैलेनेट्री अवार्डियों को सम्मानित। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अम्बाला छावनी के अरेना ऑडिटोरियम में गैलेनेट्री अवार्डी अभिनंदन समारोह के अंदर 25 गैलेनेट्री अवार्डियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिवादन किया है। इस मौके पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजा सुब्रमण्यम ने राज्यपाल का स्वागत किया एवं कोर कमांडर की तरफ से उन्हें स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन भी किया गया। हरियाणा के किस जिले में लाडो की बगिया ऑक्सीजन की जो ऑक्सीवन है इसकी शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी झज्जर के अंदर। आज़ादी के अमृत महोत्सव व हरियाली तीज के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11 अगस्त 2021 को सुबह 10 बजे चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से झज्जर जिला के गाँव खानपुर खुर्द में लाडो की बगिया ऑक्सीवन का शुभारम्भ किया है। इसके बाद है हाल ही में किस शहर के अंदर रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है चंडीगढ़ के अंदर। शहर में दूसरा रियल टाइम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन शुरू हुआ है जिसका उद्घाटन एडवाइज़र धर्मपाल ने किया है। यह एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सेक्टर 22A के सरकारी स्कूल में बनाया गया है। इस मॉनिटरिंग स्टेशन के शुरू होने से पॉल्यूशन के बारे में सही जानकारी मिल सकेगी। इसके बाद है हाल ही में किसे हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक की VC नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर अनीता सक्सेना को। दिल्ली एम्स की डॉक्टर अनीता सक्सेना को हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक की VC नियुक्त किया गया है। इसके बाद है हाल ही में किसे खान एवं भू विज्ञान विभाग के संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है आशुतोष रंजन को। संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त हरियाणा और कलेक्टर आबकारी आशुतोष रंजन को खान एवं भू विज्ञान
विभाग के संयुक्त निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। इसके बाद है, हाल ही में किसे हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का सचिव नियुक्त किया गया है, तो ये सचिव नियुक्त किया गया है विजेंद्र सिंह को। हरियाणा रोडवेज भिवानी के महाप्रबंधक विजेंद्र सिंह को लघु एवं मध्यम उद्योग हरियाणा का संयुक्त निदेशक और हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का सचिव भी लगाया गया है। इसके बाद है, किस जिले के परमबीर सिंह का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया जाएगा, तो ये किया जाएगा करनाल के जो परमबीर सिंह हैं इनका नाम। करनाल के 17 वर्षीय परमबीर सिंह ने आज देश भर में 247 बच्चों के साथ मिलकर नशाखोरी व बाल शोषण के विरुद्ध एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्पीक अप फ्रेंड्स अभियान के तहत आज देश के अलग अलग राज्यों के 12 से 18 वर्ष की आयु के इन सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बच्चों द्वारा नशे व बाल शोषण के खिलाफ सबसे लंबे वेबिनार का रिकॉर्ड बनाया है, जिसे वर्ल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड लंदन के अंदर भी शामिल किया जाएगा। इसके बाद है, पैरा ओलंपिक्स टोक्यो खेलों के लिए हरियाणा के किस जिले के पैरा एथलीट टेकचंद को कोटा मिला है, तो ये कोटा मिला है रेवाड़ी के रहने वाले एथलीट जो हैं टेकचंद उनको। पैरा ओलंपिक गेम्स के लिए जारी 25 पैरा एथलीटों में सबसे अधिक 11 खिलाड़ी हरियाणा से शामिल किए गए हैं और दूसरे नंबर पर दिल्ली इसके अंदर शामिल है। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश का दूसरा मैनलेस ऑटोमेटिक्स बिजली घर स्थापित किया जाएगा, तो ये किया जाएगा पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर प्रदेश का दूसरा मैनलेस ऑटोमेटिक बिजली घर स्थापित किया जाएगा। इसके निर्माण में अनुमानित 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह पावर हाउस पूरी तरह से मैनलेस रहेगा। इसमें सिर्फ एक चौकीदार की ही जरूरत रहेगी, बाकी एक ही ऑपरेटर सर्कल ऑफिस इसे हैंडल कर लेगा। इसी तर्ज पर दिल्ली में बने 20 बिजली घरों को एक ही ऑपरेटर हैंडल कर लेता है। इसके बाद है, हरियाणा सरकार के द्वारा प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है मेरा राशन ऐप। ओलंपिक में हरियाणा का स्ट्राइक रेट कितने प्रतिशत है, तो ये है 10%। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को एक गोल्ड समेत 7 पदक मिले हैं, जो कि 121 साल का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। पिछले 21 साल में देश ने ओलंपिक्स में 20 पदक जीते हैं, जिनमें 11 अकेले हरियाणा ही लेके आया है। इस बार टोक्यो में देश के 6 व्यक्तिगत मेडल में से 3 हरियाणा के खिलाड़ियों ने जीते हैं। पुरुष हॉकी के कांस्य मेडल में भी हरियाणा को 2 खिलाड़ियों की जो भागीदारी है वो रही है। तो आप इस चार्ट के द्वारा देख सकते हैं कि जो ओलंपिक खेल हैं इसके अंदर अमेरिका की बादशाहत रही है और अमेरिका का इसमें जो रैंक है वो पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान की बात करें तो चीन, और तीसरे पर जापान, और चौथे पर ब्रिटेन है। भारत का इसमें स्थान 48 यानी कि 48वें नंबर पर है। अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है। तो इसके गोल्ड मेडल की बात करें तो इसने सबसे अधिक गोल्ड मेडल 39 जीते हुए हैं, इसी वजह से ये पहले रैंक पे है। सिल्वर 41 है और ब्रांज 33 मेडल अमेरिका ने जीते हैं। देशों की मेडल टैली के हिसाब से अकेले हरियाणा 66वें स्थान पर रहा है। ओलंपिक में देश के खिलाड़ियों का स्ट्राइक रेट 5.5% है, जबकि हरियाणा का स्ट्राइक रेट करीब 10% है। तो हरियाणा के जो खिलाड़ी हैं जो जीते हैं मेडल, उन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से सम्मान राशि भी दी जाती है। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है, तो इन्हें 6 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके अलावा A1 क्लास की नौकरी भी यहाँ पर दी जाएगी और कैशलेस रेट पर HSVP का प्लांट भी इन्हें दिया जाएगा। 4 करोड़ रुपये रवि कुमार दहिया को दिए जाएंगे और सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी और कैशलेस रेट HSP प्लांट भी नहीं दिया जाएगा। और इनका गांव जो नाहरी है इसके अंदर इंडोर रेसिंग स्टेडियम भी बनाया जाएगा। इसके अलावा बजरंग पूनिया है, इन्हें 2.5 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी और कैशलेस HSV का प्लांट दिया जाएगा और इनके गांव में भी जो इंडोर रेसलिंग स्टेडियम है वो बनाया जाएगा। और इसके अलावा जो बाकी खिलाड़ी बचे हैं सुरेंद्र कुमार, सुमित कुमार, इन्हें 2.5 करोड़ रुपये दिए जाएंगे और सरकारी नौकरी दी जाएगी और इन्हें भी कंसेशनल रेट पर HSV प्लांट दिए जाएंगे। इसी प्रकार से हरियाणा सरकार अपने खिलाड़ियों का प्रोत्साहन करते हुए अलग अलग अवार्ड्स इन्हें देती रहती है, जो पुरस्कार होते हैं वो भी देती रहती है। बाकी हॉकी के खिलाड़ियों को 50-50 लाख रुपये की राशि है वो भी दी गई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक्स में हरियाणा के किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है, तो ये तो आप सभी को पता ही है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया है। टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। उन्होंने फाइनल राउंड के अंदर 87.58 मीटर का थ्रो किया और फिर सीधा गोल्ड अपने नाम किया। भारत को 13 साल बाद यह गोल्ड मिला है, भारत के लिए ये पहला गोल्ड है।
नीरज चोपड़ा हरियाणा के पानीपत जिले के एक छोटे से खंडरा गांव के रहने वाले हैं। इसके साथ ही वह इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर भी कार्यरत हैं। सेना में जूनियर कमिश्नर्स ऑफिसर के तौर पर भी ये काम करते हैं। इसके बाद है, कौन सा देश ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचवा देश बन गया है? तो ये बना है जर्मनी। 8 जनवरी 2021 को ISA समझौते में संशोधन के बाद जर्मनी अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने वाला पांचवा देश बन गया है। भारत में जर्मनी के राजदूत वॉल्टर लिंडनर ने ISA फ्रेमवर्क समझौते की हस्ताक्षरित प्रतियां विदेश मंत्रालय के पास जमा कर दी हैं, जो ISA फ्रेमवर्क समझौते का डिपॉजिटरी है। यहाँ पे भी दोस्तों मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं, जितने भी समझौते होते हैं किसी भी देश के साथ होते हैं या कोई भी समझौता होता है, तो इन क्वेश्चनों को तो काफ़ी ज़्यादा आप अच्छे से याद करके रखिएगा, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो इन्हें अच्छे से आप ज़रूर रिविज़न कीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की बात करें तो इसे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तत्कालीन फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन ओलांद के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना और सौर ऊर्जा की व्यापक तैनाती के माध्यम से पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन में योगदान करना है। अब तक कुल मिलाकर 98 देशों ने ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद है, हरियाणा की किस कंपनी ने भारत के पहले हाइपर स्केल डेटा सेंटर को शक्ति प्रदान करने के लिए रैक बैंक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हस्ताक्षर किए गए हैं रेनू पावर के साथ। रेनू पावर ने 100% रिन्यूएबल्स एनर्जी के साथ भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर को पावर देने के लिए रैक बैंक डाटा सेंटर लिमिटेड के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर भी बनने वाला है। MOU भारत के सबसे बड़े ओपन एक्सेस MOU में से एक है। यह समझौता ज्ञापन रेनू को रैकबैक के डेटा सेंटर को बिजली की आपूर्ति करने के लिए 500 MW तक की एक हाइब्रिड बिजली उत्पादन सुविधा का निर्माण, स्वायत्तता और संचालन करने की अनुमति भी देता है। इसके बाद हाल ही में किसे आयुष्मान भारत हरियाणा स्वास्थ्य संरक्षण प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया है साकेत कुमार को। इसके बाद है, हाल ही में किसे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है दिनेश सिंह यादव को। इसके बाद है, हाल ही में किसे निगरानी एवं समन्वय विभाग का संयुक्त सचिव और विदेश सहयोग विभाग का संयुक्त सचिव बनाया गया है? तो ये बनाया गया है तरुण कुमार पवारिया को। तो आज के हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होते हैं। अगर आप हमारी किसी भी PDF को किसी भी वीडियो को PDF के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको प्राइस दिख रहा है, आपको बस उतने रुपये इस कोड को स्कैन करके पे कर देने हैं और उसका स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, जिसके बाद हम PDF आपको सेंड कर देंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इससे पहले की वीडियो में जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका क्या आंसर था। तो इससे पहले की वीडियो में हमने पूछा था कि हाल ही में चरखी दादरी जिले के किस गाँव को नगर पालिका का दर्जा दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर था वो था बाडना गांव को दिया गया है। हरियाणा के चरखी दादरी जिले का कस्बा बाडना अब गांव नहीं बल्कि शहर कहलाएगा। इस जिले में अब स्थानीय निकाय की दो इकाइयां बन गई हैं, एक तो दादरी नगर परिषद और दूसरी बाडना नगर पालिका। सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने इस संदर्भ के अंदर हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 के तहत अधिसूचना भी जारी कर दी है। नगर पालिका बनने से उपमंडल मुख्यालय को शहर का दर्जा मिल गया है। ग्राम पंचायत की बजाय भविष्य में बाडना पालिका के सीमा क्षेत्र में नए वार्ड बनाकर नगर पालिका का चुनाव करवाया जाएगा, यहाँ के मतदाताओं को भी शहरी वोटर ही माना जाएगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का बनने वाला क्वेश्चंस। आज का क्वेश्चन है कि हरियाणा राज्य अंतर जिला परिषद का गठन करने वाला देश का कौन सा राज्य बना है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।